भारत के रत्न यानी रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। रतन टाटा हर दिल पर राज करते थे क्योंकि वो शख्सियत ही ऐसी थे। बीते दिन उनकी तबीयत बिगड़ी, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। ऐसे में उनके जाने से हर कोई उनके बारे में जानना चाह रहा है, उनके बारे में सर्च कर रहा है। और अब उनकी महिला दोस्त का एक पोस्ट आया है जो काफी वायरल हो रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि उन्होंने ताउम्र शादी नहीं की थी और उनका नाम महिला दोस्त से जोड़ा जाता था। वो महिला दोस्त कोई और नहीं बल्कि दिग्गज एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल हैं, जिन्हें रतन टाटा की पूर्व गर्लफ्रेंड भी कहते हैं और उन्होंने रतन टाटा को अलविदा कहा है। पहले आपको बता दें कि रतन टाटा को याद करते हुए एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल ने एक पोस्ट शेयर किया। पोस्ट में सिमी ने अपनी और रतन टाटा की एक पुरानी फोटो शेयर करते हुए दोस्त को अलविदा कहा। बताया जाता है कि रतन टाटा जो हर किसी के दिल पर राज करते थे, वहीं एक ऐसी एक्ट्रेस थी जो उनके दिल पर राज करती थी, जिनसे रतन टाटा खुद से ज्यादा प्यार करते थे। उनका नाम है सिमी ग्रेवाल। एक दौर था जब रतन टाटा और सिमी ग्रेवाल रिश्ते में थे, दोनों एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा सीरियस थे। ऐसे में रतन टाटा के निधन के बाद उनकी प्रेमिका रही सिमी ग्रेवाल ने पोस्ट लिखा है। इस पोस्ट में सिमी ग्रेवाल की हालत और उनके दर्द का एहसास आप समझ सकते हैं। उन्होंने अपनी और रतन टाटा की पुरानी फोटो भी शेयर की है। बता दें कि सिमी ग्रेवाल ने एक पुराने इंटरव्यू में रतन टाटा के साथ रिलेशनशिप में होने की बात कबूली थी। अब रतन टाटा को याद करते हुए सिमी ने अपनी और रतन टाटा की एक फोटो शेयर की और लिखा, वो कहते हैं आप चले गए, तुम्हारे जाने का दुख सहन कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, अलविदा मेरे दोस्त। इस पोस्ट के बाद हर कोई एक्ट्रेस के दर्द को समझ रहा है। सिमी ग्रेवाल और रतन टाटा ने एक लंबे अरसे तक एक दूसरे को डेट किया। कहा जाता है कि सिमी ग्रेवाल से अलग होने के बाद भी रतन टाटा कभी अपनी पर्सनल लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए और सिमी ग्रेवाल की वजह से उन्होंने ताउम्र शादी नहीं की। तो वहीं सिमी ग्रेवाल के बारे में बताएं तो उन्होंने साल 2011 के एक इंटरव्यू में रतन टाटा संग रिलेशनशिप में होने की बात मानी थी। उन्होंने कहा था कि रतन और मेरा रिश्ता काफी पुराना है, वो परफेक्शन है, उनमें हास्य की भावना है, वह विनम्र है और एक आदर्श सज्जन व्यक्ति है। पैसा कभी भी उनके लिए प्रेरक शक्ति नहीं रहा। वो भारत में इतने निश्चिंत नहीं होते हैं जितना विदेश में होते हैं। जाहिर है कि रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। रतन टाटा ने मार्च 1991 से लेकर 2012 तक टाटा समूह की अगुवाई की। टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर उन्होंने ही पहुंचाया। उन्होंने टाटा ग्रुप को नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक बनाने वाली कंपनी बनाया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण किया। टाटा समूह आज देश के सबसे बड़े औद्योगिक घरानों में से एक है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए।